अरे भाई जी, आपा तो कोई शुभ काम का गीतकार करा, सुनाओ शुभ काम के उसके जी। गीतकार शुरू कर दियो। आज का फेमस नहीं है, मेरे यूट्यूब पे जाके देख लो, मैं तो 3 साल पहले तेजा गाया पड़ा। मैं तेजा भक्त आदमी भैया, किसान पुत्र। लोग तो उस वक्त खामोश थे, लोग तो ये देख रहे थे कि जो फतेहपुर में जिन लोगों ने इतने दिनों से भाजपा को संभाल रखा था, वो लोग भाजपा की सेवा करते हैं या फिर लोगों को अस्त व्यस्त करते हैं। जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनका क्या क्या रुझान है, क्या सोचते हैं फतेहपुर के चुनाव के बारे में? 25 साल का सूखा खत्म हो जाएगा और कमल बहुत भारी मतों से विजय। टक्कर किससे मानी जा रही है? महिलाएं क्या कह रही है? बहुत बरसों के बाद में आज जब जेपी नड्डा जी आए तो लोग ये तक चर्चा कर रहे थे कि फतेहपुर में भ्रष्टाचार का अड्डा खत्म करने के लिए जगत प्रकाश जी नड्डा आए हैं। कई सालों बाद फतेहपुर में लोगों को उमंग आई है, इतनी महिलाएं, इतनी मातृशक्ति इस हेडक्वार्टर पे पहली बार आई है। लोगों को तेजा गायन के माध्यम से ये भी पता चल गया कि श्रवण जी केवल E=MC² या फिर A+A²+B² पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति है। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और JJP है, वो भी वोट नहीं काट रही है। वो कुछ नहीं, खेल खत्म हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। इस वक्त मैं हूँ फतेहपुर में और आज हमारे साथ है भाजपा नेता श्रवण चौधरी जी। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब आए हैं। अभी यहाँ महिलाओं का एक सम्मान समारोह रखा गया था, आप जानते हैं कि यहाँ का क्या विषय? नमस्कार सर। नमस्कार भाई, राम राम। राम राम सर। आज JP नड्डा साहब आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा, क्या कारण है, यहाँ पे क्या विजन है? विजन यही है बस, यहाँ 25 साल बाद कमल खिलाना है तो सब नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जनता जनार्दन आपके सामने दिखाई दे रही है। कई सालों बाद फतेहपुर में लोगों को उमंग आई है, इतनी महिलाएं, इतनी मातृशक्ति तहसील हेडक्वार्टर पे पहली बार आई है। ऐसी मातृशक्ति तब आती है जब कोई स्टेट लेवल प्रोग्राम होता है तो तहसील हेडक्वार्टर पे, एक विधानसभा हेडक्वार्टर पे 3000 मातृशक्ति आना अपने आप समाज के रूप में बता देता है। पुरुषों का सम्मेलन तो अक्सर देखा जाता है यहाँ पे गाँव में आते, लेकिन एक आपने अनोखा किया है महिलाओं को बुला के, इसका आइडिया कहाँ से? तो 3 बहनें हैं तो मुझे तो बहनों ज्यादा प्यार है, मैंने मेरी अपील की बहनों से, मेरी बहनें आ गई। सर, जो आपने ये जो आज महिलाओं का संगीत सम्मेलन किया, इसमें जो अक्सर अपन गांव देहात में लेते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं गीत, आपने ये किया है, इसमें मतलब क्या मैसेज आएगा? अरे भाई जी, आपा तो कोई शुभ काम का गीतकार करा, सुनाओ शुभ काम के उसके जी। गीतकार शुरू कर दियो। और एक आपका तेजा बड़ा फेमस हो रहा है फतेहपुर में, जहाँ भी जाते हैं आप तेजा। भाई आज का फेमस नहीं है, मेरे यूट्यूब पे जाके देख लो, मैं तो 3 साल पहले तेजा गाया पड़ा। मैं तेजा भक्त आदमी भैया, किसान पुत्र हूँ मैं। 2-3 दिन बाद में चुनाव है, अब क्या कहना चाहिए जनता को? 1.25 लाख वोट आ रहे हैं बीजेपी को, कम से कम बात नहीं पता बीजेपी। तो ये जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और JJP है, वो भी वोट नहीं काट रही है? वो कुछ नहीं, खेल खत्म हो गया। टक्कर कहें कांग्रेस? टक्कर कांग्रेस से नहीं है, कम से कम जीत 50,000 वोटों से बीजेपी के यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी श्रवण चौधरी का यहाँ से काफिला निकल रहा है, अभी ये काफिला लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाएगा सूर्य मंडल से होते, तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते। नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी। आज JP नड्डा साहब आए हैं, क्या लगता है इस बार भाजपा यहाँ पे आए राज ला पाएगी? फतेहपुर में निश्चित परिवर्तन होगा और बड़े अंतर के साथ श्रवण चौधरी विजय होंगे। 25 साल से यहाँ पे कमल नहीं खिला, क्या लगता है? 25 साल का सूखा खत्म हो जाएगा और कमल बहुत भारी मतों से विजय। टक्कर किससे मानी जा रही है? आप भी दावेदार थे पहले। टक्कर कोई लग रहा ना, मैं तो किसी को कोई वोट ही नहीं दे रहा, सिर्फ श्रवण चौधरी को वोट मिल रहे। श्रवण चौधरी, अपन चलते चलते बात करते हैं, जैसे आज यहाँ पे 2 बड़ी सभाएं हैं, एक तरफ तो यहाँ पे BJP की है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सभा है, क्या लगता है दोनों सभाएं आमने सामने ही है, सभा का मतलब है कि यहाँ पे टक्कर भी मानी जाए? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बेहद अहंकारी हैं, उनके अहंकारी रवैये से यहाँ फतेहपुर का आम जन परेशान है, आम जन सबक सिखाने को आतुर है और इस चुनाव का बहुत बड़ा चमत्कारिक परिणाम आएगा श्रवण जी के पक्ष। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो JJP के प्रत्याशी हैं, वो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, फतेहपुर की पब्लिक ने अपना मन बना रखा है, फतेहपुर की पब्लिक इस बार श्रवण चौधरी को योग्य, शिक्षित और बहुत धार्मिक आदमी है श्रवण जी, जन जन के लाडले बने हुए हैं श्रवण जी, इस बार विधानसभा पहुंचाएंगे। सर, धार्मिक की बात कर रहे हैं, धार्मिक से कहें तो यहाँ तेजा बड़ा फेमस हो रहा है, आपको क्या लगता है?
लगता है। बिल्कुल चलते चलते बात, तेजा गायन बहुत फेमस हो रहा है और लोगों को तेजा गायन के माध्यम से ये भी पता चल गया कि श्रवण जी केवल ई बराबर एम सी स्क्वायर या फिर a+a² + b² पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति है जो हमारी लोक संस्कृति के बारे में और फतेहपुर शेखावाटी की संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन भी करते हैं और जानकारी भी रखते हैं। लोग शुरुआत में कह रहे थे कि ये तो बाहर से पैसे देकर टिकट लेके आया है, इससे तो लोग नहीं जुड़ेंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना? लोग नहीं कह रहे थे, लोग तो उस वक्त खामोश थे, लोग तो ये देख रहे थे कि जो फतेहपुर में जिन लोगों ने इतने दिनों से भाजपा को संभाल रखा था वो लोग भाजपा की सेवा करते हैं या फिर लोगों को अस्त व्यस्त करते हैं। जनता खामोश थी, नेता आरोप लगा रहे थे और आज ये पूरा फतेहपुर देख रहा है कि जिन लोगों ने भी वो मिथ्या आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनको बाहर का रास्ता दिखा चुका है। ये भी कह रहे हैं श्रवण जी तो कि ग्रहण लगा हुआ है भाजपा के ऊपर, वो ग्रहण क्या लगता है इस बार उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, श्रवण जी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार है और जनता के उम्मीदवार भी है। बहुत बरसों के बाद में आज जब जेपी नड्डा जी आए तो लोग ये तक चर्चा कर रहे थे कि फतेहपुर में भ्रष्टाचार का अड्डा खत्म करने के लिए जगत प्रकाश जी नड्डा आए हैं। इस वक्त में फतेहपुर में सरपंच चौधरी की जो सभा निकल रही है, रेड रोड शो है, इस वक्त में सरपंच चौधरी रोड शो में मौजूद हैं। महिलाओं से बात करते हैं, कहाँ से आए हो? किशनपुरा से। अच्छा, क्या लगता है इस बार महिलाओं का किस ओर रुख? बीजेपी की तरफ। कहाँ से आए हो? जड़ेव से। जड़ेव से, क्या कह रहे हो? वो तो आप कहाँ से आए हो? जालेव से। जालेव से, जालेव कौन सी से? फतेहपुर के पास में है। फतेहपुर, क्या है जो जो महिलाएं हैं गर्ल्स हैं उनका क्या क्या रुझान है, क्या सोचते हैं फतेहपुर के चुनाव के बारे में? यही कि इस बार शिक्षा की नीति पर जरूर ये काम करेंगे सरवर चौधरी, और हम मानते हैं कि इस बार रियल में भाजपा आएगी। मतलब फतेहपुर के लोग चाहते क्या है? 25 साल से यहाँ पे बीजेपी का कमल नहीं खिला है। नहीं, 25 साल से खिला तो नहीं है, पर अब खिलेगा। कैसे? कि हम इतने दिन हो गए 25 साल से हम इन शिक्षा की नीति में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, इस बार जरूर काम होगा। अच्छा चलो, आप कहाँ से हो ताई जी? दो साल से। सरवण चौधरी गाँव से। अच्छा, गाँव में क्या माहौल है सरवण चौधरी का? ताई जी थाने के इलाके है, खड़ा हुआ हो? मोदी कौन सा गांव से आए हो? मांडेला। आपका वोट के लगे किन्ने पता पड़ेगा? वो तो कांग्रेसी गांव बतावे। कांग्रेसी गांव भावड़ा ही कांग्रेसी। अच्छा हाँ, तो इपका कठिन दे रहे हो तो फूल ले तो सर उसे बड़ा सा। सरवण चौधरी के लगे के काम करावे गो? हमारा बच्चा शिक्षित करेगा। अच्छा, इसके अलावा विकास करेगा। चलो ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं फतेहपुर के छतरिया बस स्टैंड में मौजूद हूँ, सरवण चौधरी का रोड शो निकल रहा है। यहाँ पे महिलाएं काफ़ी संख्या में आई है, पहले यहाँ पे महिला संगीत कार्यक्रम रखा गया था जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। अब ये देखना होगा कि महिलाएं किस ओर करवट लेती है और ये 25 तारीख की तय करेगी फतेहपुर की वो दिशा और दशा। आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।